गाइस, आज हम बात करते हैं फिर से एक और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब के बारे में। चलो, हमने पढ़ा था कल एप्लीकेशन फॉर ए जॉब का फॉर्मेट कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर ए जॉब को लिखा जाता है। आज हम उठा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर ए जॉब पे एक टॉपिक। जैसे अपना आज एप्लीकेशन फॉर ए जॉब पे एक नया टॉपिक है लेक्चरर ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के व्याख्याता की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर अपने को एक एप्लीकेशन फॉर ए जॉब लिखना है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले क्या लिखना था अपने को? सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना था सबसे पहले? सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता, जो लिख रहा है उसका पता लिखना था। जैसे अपन ने भेजने वाले का पता लिख दिया 163 विहार अलीवास चाकसू, ये लिख दिया हमने सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद में अपने क्या करनी थी? वही एक लाइन खाली छोड़नी थी। फिर इसके बाद में क्या करना है अपने को? डेट लिखनी थी। डेट कौन सी लिखनी है? जिस दिन ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा हो उस दिन की अपने को यहाँ क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। जैसे आज लिख रहे हैं तो क्या है आज डेट? 31 जुलाई 2020, आज की डेट लिख दी। इसके बाद में क्या करना है? फिर से एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर क्या करना है अपने को? क्या लिखना था? रिसीवर्स एड्रेस। क्या करना था? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब प्राप्त करने वाले का पता, मतलब जिसे लिख रहे हैं उसका यहाँ पर अपने को क्या लिखना था? पता लिखना था। जैसे उनका पता लिख दिया हमने, द प्रिंसिपल जीएसए उदयप्रिया, यानी जिसे हम लिख रहे हैं उसका हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? पता लिख दिया। जस्ट इसके बाद में अपने को फिर से क्या करना था? एक लाइन छोड़नी थी। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर आता है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय, किस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारा टॉपिक क्या था? लेक्चरर ऑफ हिंदी, इसके ऊपर अपने को लिखना था। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ हिंदी, यानी प्रार्थना पत्र किसके लिए लिख रहे, कौन सी जॉब के लिए लिख रहे थे? हिंदी के व्याख्याता के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद में फिर क्या करना था अपने को? एक लाइन छोड़नी थी। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर क्या आता है अपना? सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब संबोधन, जो कि लिखना अनिवार्य होता है। इसके बाद में फिर कल भी बताया था कि कुछ लाइनें हैं जो अपने हर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में आएगी। किसमें आएगी? हर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में आएगी। बस जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो शब्द ही चेंज होंगे, अदरवाइज एक भी शब्द चेंज नहीं होगा। तो देखो कल कैसे स्टार्ट करे थे, वैसे ही। विथ रेफरेंस टू योर न्यूज पेपर। विथ रेफरेंस मतलब के थ्रू या के माध्यम से, जो आपने रेफरेंस दिया था किसके माध्यम से? न्यूज पेपर ऑफ राजस्थान पत्रिका, यानी जो राजस्थान पत्रिका में आपने रेफरेंस दिया था, किस तारीख को? ऑन 28 जुलाई, यानी 28 जुलाई 2020 को। फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के बारे में? लेक्चर ऑफ हिंदी, यानी 28 जुलाई को आपके अखबार के माध्यम से लेक्चर ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के व्याख्याता के बारे में क्या किया गया था? रेफरेंस दिया गया था। आई अप्लाई, मैं आवेदन करता हूं। फॉर द सेम हेयर, मैं इसके लिए यहां क्या करता हूं? आवेदन करता हूं। देखो कल भी ये लाइनें कॉमन थी, सिर्फ चेंज क्या था? तो न्यूज़पेपर का नाम चेंज था, एक डेट चेंज थी। डेट कौन सी लिखनी है यहां पर? ये वाली डेट अपने को नहीं लिखनी है। यहां डेट अपने को वो ही लिखनी है जिस दिन अखबार में, यानी न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया हो, समझ गए? इसके बाद में फिर क्या करना था अपने को? पोस्ट का नाम लिखना था। तीन चीजें चेंज हुई ना अभी तक। कितनी चीजें चेंज हुई? केवल तीन ही चीजें चेंज हुई। तो देखो नेक्स्ट, फिर क्या लिखनी थी? अपनी पर्सनल स्किल्स, मतलब खुद के बारे में बताना था कि मैं इस पोस्ट के बारे में क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, तो अपनी एबिलिटी तो बतानी है उसके अंदर। तो देखो, आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं। कैसा? हार्ड, यानी मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? कठिन परिश्रम कर रहा हूं, कठिन कार्य कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, कड़ी मेहनत इसके लिए।
आई हैव, मेरे पास है 3 ईयर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस। मेरे पास इस पोस्ट के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस है? 3 साल का एक्सपीरियंस है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर ऑफ हिंदी, यानी हिंदी की व्याख्याता के लिए मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है। फिर इसके बाद में आई एम यंग एंड प्लीजेंट पर्सनैलिटी, मेरे पास क्या है, मैं जवान हूं और प्लीजेंट पर्सनैलिटी यानी आकर्षक व्यक्तित्व का हूं। प्लीज गिव मी वन चांस, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, एक अवसर दीजिए। आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूं टू सर्व यू, आपको देने की क्या, माई बेस्ट एबिलिटी, मतलब मेरी अच्छे से अच्छी योग्यताएं आपको देने की प्रोमिस करता हूं। फिर इसके बाद में क्या करना था अपने को, एक लाइन छोड़नी थी। फिर एप्लीकेशन में आपको पता ही है थैंकिंग यू आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये लिखने के बाद में फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर क्या करना है, योर्स फेथफुली, आपका शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक, नाम लिखना था और डेजिग्नेशन लिखना था। डेजिग्नेशन का मतलब पद, और नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, नाम वही लिखना है जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपनी इच्छा से कोई सा भी नाम लिख सकते हो। तो ये हुआ अपने यहां तक एप्लीकेशन लिखने का तरीका। इस प्रकार अपन ने केवल कितनी चीजें चेंज की, 1 2 3, कितनी चीजें चेंज की, 3, और अपना सब्जेक्ट तो अपने को चेंज ही करना है। कौन सा चेंज करना है, सब्जेक्ट, केवल ये 4 चीजें अपने को चेंज करनी है और अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर जो कोई सा भी आ जाए उसमें सारा का सारा पैटर्न सेम होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिज्यूम के बारे में, रिज्यूम या करिकुलम विट, जो कि अपने को एप्लीकेशन फॉर ए जॉब के बाद में बनाना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि करिकुलम विट या रिज्यूम किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले एक प्रारूप बनाया जाता है, उसमें ऊपर ही ऊपर एक कॉलम में बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में करिकुलम विट या रिज्यूम लिखना होता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना रिज्यूम बनाना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने अपने को अपना नाम लिखना होता है। किसका नाम लिखना है, जो लिख रहा है उसी का नाम लिखना है, जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसी का नाम यहाँ पर अपने को लिखना है। जैसे क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ था लेकिन हमने माना कौन लिख रहा था, अप्लाई कौन कर रहा था जॉब के लिए, रमेश, तो यहाँ नाम लिख दिया किसका, रमेश का। फिर इसके बाद में लिखना है फादर्स नेम, किसका नाम लिखना है, फादर्स नेम, जैसे रमेश के फादर का नाम है मिस्टर दिनेश, क्या नाम है, मिस्टर दिनेश, तो उनका नाम यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद में अपने को लिखना था रमेश का एड्रेस, जैसे रमेश का एड्रेस है अलिवस चाकसू जयपुर, ये रमेश का हमने एड्रेस लिख दिया। फिर इसके बाद में रमेश के लिखने हैं अपने को कॉन्टेक्ट नंबर, उसके मोबाइल नंबर, जैसे रमेश के कॉन्टेक्ट नंबर है 000, ये माना कि रमेश के नंबर है। इसके बाद में अपने को लिखना था ईमेल आईडी, किसकी लिखनी है ईमेल आईडी, भी रमेश की ही ईमेल आईडी लिखनी है, जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उसी के बारे में सारी चीज़ें अपने को लिखनी है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो अपने को अपनी इच्छा से कोई सा भी नाम लिख देना है और उस नाम के अकॉर्डिंग ही अपने को रिज्यूम बनाना है, करिकुलम विट बनाना है। फिर इसके बाद में हम इसके लिखते हैं रमेश की ईमेल आईडी, जैसे इसकी ईमेल आईडी है ramesh000@gmail.com, ये रमेश की है ईमेल आईडी। फिर इसके बाद में रमेश की अपने को लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, यानी इसकी जन्म दिनांक हमने को यहाँ पर लिखनी है, जैसे रमेश की जन्म दिनांक अपने यहाँ पर लिख दी। फिर इसके बाद में अनिवार्य होता है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा, क्वालिफिकेशन के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में लिखना है कि उसकी योग्यता क्या है। जैसे रमेश की क्वालिफिकेशन है बीए की डिग्री कर ली उसने, बीएड भी कर लिया और एमए भी कर लिया, ये रमेश की क्या है, क्वालिफिकेशन योग्यता है, जो कि हमने यहाँ उसके बारे में लिख दी। फिर इसके बाद में एक्सपीरियंस, कि रमेश हिंदी की व्याख्याता के लिए अप्लाई तो कर रहा है,
अप्लाई तो कर रहा है, लेकिन क्या उसने इससे पहले इस पर भी काम किया था? तो उसने कहा कितने साल का एक्सपीरियंस उसके पास, 3 साल का एक्सपीरियंस है कि उसने पहले भी इस पोस्ट के ऊपर काम किया हुआ है। कितने साल? 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी 3 साल का अनुभव उसके पास है। फिर इसके बाद में बात करते हैं पर्सनल स्किल्स कि इसके अलावा उसके जो पर्सनल स्किल्स और क्या एबिलिटीज़ है उसके अंदर, उसके बारे में बताना पड़ेगा अपने को। जैसे होनेस्ट, यानी क्या है, ईमानदार भी है, एंड प्लीजेंट पर्सनैलिटी और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी भी हैं, और क्या है, हार्ड वर्किंग और कठिन परिश्रम करने वाले भी हैं। इस प्रकार अपने को ये रिज्यूम लिखना होता है, और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में रिज्यूम लिखना ही बहुत अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार अपना रिज्यूम तैयार हुआ। तो गाइस, कैसे लगी वीडियोस? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक्स।